बच्चों मैंने पोल पे क्वेश्चन शेयर किया था कि गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन x वेयर x इज इन डिग्रीज, है ना। तो मैंने पूछा था कि dy by dx इक्वल टू cos x, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो काफी मिक्स रिएक्शन आया था मेरे पास, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो फॉल्स टिक किया है पर कुछ बच्चों ने ट्रू भी टिक किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स, है ना। फॉल्स क्यों है इसको समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें आपके एंगल की, तो एंगल आपका कितना है x डिग्रीज है। अगर मुझे उसको रेडियंस में लिखना हो तो लेट्स से उसकी वैल्यू रेडियंस में थीटा रेडियंस है, तो देन मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा y है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिग्रीज, दैट इज आल्सो इक्वल टू साइन ऑफ थीटा रेडियंस। ओके अब ये x और थीटा की वैल्यू में रिलेशन क्या है ये भी आपको सिखाया जा चुका है कि अगर आपका एंगल डिग्रीज में है और थीटा रेडियंस में है तो दोनों की वैल्यू में रिलेशन क्या बनता है। अगर आप थीटा को 180 से मल्टीप्लाई करो और पाई से डिवाइड कर दो तो आपको एंगल डिग्रीज में मिल जाता है। तो अब जरा हम डिफरेंशिएशन करते हैं। मेरे पास गिवन है y इक्वल टू साइन थीटा और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है x के साथ, मुझे निकालना है dy by dx कितना होगा। तो मैंने आपको एक इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन का तरीका बताया था कि मैं इसको इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, राइट। अगर आप d थीटा काट दो तो आपके पास फिर से dy by dx ही बचता है, सो दिस इज नथिंग न्यू। ओके सो अब यहां पे मुझे dy by d थीटा सेपरेटली निकालना होगा, dx by d थीटा सेपरेटली निकालना होगा, तो वो करते हैं। तो dy by d थीटा आपका कितना होगा, वो हो जाएगा d by d थीटा ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। ओके यहाँ पे याद रखो थीटा आपका किस में है, रेडियंस में है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो आपका एंगल रेडियन में लेके ही डिफरेंशिएट करना है। ओके तो ये हो गया। अब हम dx by d थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, d by d थीटा ऑफ x क्या है आपका। देखो मुझे डिफरेंशिएशन थीटा से करना है तो मुझे x को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x आपका कितना है, 180 by pi times थीटा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 180 by pi times थीटा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपका 180 by pi बाहर आएगा, ये नंबर मल्टीप्लीकेशन बाहर आएगा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ 1 हो जाता है, तो आई एम लेफ्ट विथ 180 by pi। तो बस खत्म, मेरा dy by dx कितना हो गया, ये हो गया आपका, न्यूमरेटर में cos थीटा लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में हम 180 by pi लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम रीअरेंज करें तो पाई बाय 180 टाइम्स कॉस थीटा होगा और ये थीटा आपका किस में, रेडियंस में। यहाँ पे प्रॉपरली लिख देता हूँ थीटा इन रेडियंस, तो इसको मैं वापस से रीराइट कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 कॉस ऑफ एक्स डिग्रीज। तो ये आपका डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा फॉर साइन एक्स व्हेन एक्स इज इन डिग्रीज। बच्चों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है, एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहां पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहां पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 rupees पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है, आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं। आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप
लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।